नीलवाताल थाना क्षेत्र के सिकटौर बाजार स्थित रेलवे क्रॉसिंग के दक्षिणी तरफ गुरुवार को दिन के लगभग 2 बजे के करीब क्रॉसिंग बंद होने की वजह से लगी भीड़ के बीच मनवर ने युवक को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची नीलवाताल पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। आपको बता दें, महराजगंज जिले के नौतनवा सरोजनी नगर निवासी प्रशांत जायसवाल पुत्र श्याम प्रकाश जायसवाल अपने छोटे भाई विपिन जायसवाल के साथ अपने कार से गोरखपुर की तरफ से नौतनवा की तरफ जा रहा था। गोरखपुर सोनौली मार्ग के सिकटौर बाजार रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से गेट के दोनों तरफ भीड़ लगी थी। उसी बीच प्रशांत गुटखा मसाला खाने की वजह से एक दुकान पर चला गया। उसी बीच नौतनवा के ही 4 लोग पहुंच गए और प्रशांत को बुलाकर किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू कर दी। घायल के अनुसार किसी गोलू नामक व्यक्ति ने पेट में सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही युवक नीचे गिरकर छटपटाने लगा। मारने वाला बदमाश अपने एक साथी के साथ असलहा लहराते हुए अपाची बाइक से बंद क्रॉसिंग के नीचे से झुक कर दूसरी तरफ पार कर सिकटौर बालापार रोड की तरफ भाग गए। बदमाश के दूसरे दो साथी बाइक से गोरखपुर की तरफ भाग गए। घायल होजरी का कारोबार करता है। मौके से 32 बोर पिस्टल का खोखा बरामद हुआ है। घायल के भाई विपिन का कहना है कि हम लोग होजरी का काम करते हैं। घायल युवक के छोटे भाई विपिन के अनुसार हमें लूटने की नीयत से ऐसा किया गया है। घटना की सूचना पर DIG व SSP गोरखपुर जोगिंदर कुमार, SP नॉर्थ अरविंद पांडे, ASP CO कैंपियरगंज राहुल भाटी क्राइम ब्रांच के साथ पहुंचकर मौका मुआयना किया और घटना के खुलासे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बहुत बेकार था। वर्कआउट करने की बोलो आज सिपाही देता हूँ 5 तुझे वर्कआउट करके बता दो मुझे 5 दिन में कितने सिपाही चाहिए बोली आज इसको थाने से।